आप सबको पता है ऑनलाइन भी कैसी चीज़ है कि आपको थोड़ा सा फायदा होगी, छोड़ोगे तो वापस मोटापा आ जाएगा। जी देखिए, जंक फूड हमेशा सबको पता है, यहाँ पे जो ऑडियंस है उनको भी पता है कि जंक फूड नहीं खाना चाहिए, बट आदमी जंक फूड खाता है तो इसका क्या कर सकते हैं, अगर खा लिया तो क्या कर सकते हैं? तो खाने के बाद आदमी उसको क्या करना चाहिए, जब आदमी कैलोरीज लेता है तो उसको बर्न करने का तरीका भी होना चाहिए आदमी के पास। सही सर्जन, सही हॉस्पिटल, सही टेक्निक और सही इंफ्रास्ट्रक्चर रहा तो कॉम्प्लिकेशंस बहुत 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 कम है। अस्सलाम वालेकुम। सो आदमी को क्या है, पतले रहना है, मोटापा नहीं बढ़ना चाहिए, तो इसके लिए क्या करना है आदमी को? शुगर से जितना दूर रहा तो उतना अच्छा है, मीठे से, शुगर से, बेकरी आइटम से, ये सब चीज़ों से दूर रहा ना तो आदमी वेट बढ़ने के चांसेस कम हो जाते हैं। और हम लोग क्या है साउथ इंडियंस, हम लोग क्या करते हैं, खाने राइस के बिना आप हमको पेट फुल नहीं होता और नींद नहीं आती। इसके लिए हमें क्या करना है, राइस दो तीन मरतबा खाने से अच्छा है तो आप राइस की क्वांटिटी कम कर दें, एक ही मरतबा खाएं, दोपहर में खाएं। और हमेशा आदमी को क्या है, ब्रेकफास्ट थोड़ा अच्छा करना चाहिए, हैवी करना चाहिए, दोपहर में थोड़ा कम खाना चाहिए, रात में बिल्कुल कम खाना चाहिए। हम लोग रिवर्स कर लेते हैं, रात में बहुत ज़्यादा खा लेते हैं और मीठे भी खा लेते हैं ऊपर से। सो ये सब चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। और खाना खाने के बाद आपको खाने और सोने के दरमियान आपको 3 घंटे ब्रेक रखना पड़ेगा। आदमी क्या करता है, खाने के बाद तुरंत सो जाता है तो इसमें क्या होता है, इमिडिएटली फैट अक्यूमुलेट हो जाता है। और नंबर टू क्या होता है, इसमें पैंक्रियास पे भी जोर पड़ता है ताकि ज़्यादा इंसुलिन सेक्रेट करे। एग्जैक्टली क्यों डायबिटीज होता है मोटे लोगों में, मोटे लोगों में इसलिए डायबिटीज होता है, आदमी क्या करता है जब खाना खाते हैं ना, बहुत ज़्यादा खाना खा लेते हैं तो पैंक्रियास पे जोर पड़ता है कि पैंक्रियास इंसुलिन बनाए। इस दौरान क्या है, पैंक्रियास ख़राब होने के चांस होते हैं, इंसुलिन की मात्रा कम हो जाती है, इंसुलिन की मात्रा कम हुई तो डायबिटीज आ जाता है। सो इसलिए क्या है, आप खाने के बाद थोड़ा अच्छा वॉक करें और 45 मिनट्स हमेशा रखिए, दिन में हमेशा 45 मिनट्स ब्रिस्क वॉक कीजिए या फिर ट्रेडमिल ले लीजिए, इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। सो व्हाट अबाउट जंक फूड सर, बिकॉज आजकल लोग बहुत से जंक फूड जैसे पिज्ज़ा होगा, बर्गर होगा, एनीथिंग लाइक यू नो। सो जी देखिए, जंक फूड हमेशा सबको पता है, यहाँ पे जो ऑडियंस है उनको भी पता है कि जंक फूड नहीं खाना चाहिए, बट आदमी जंक फूड खाता है तो इसका क्या कर सकते हैं, अगर खा लिया तो क्या कर सकते हैं? तो खाने के बाद आदमी उसको क्या करना चाहिए, जब आदमी कैलोरीज लेता है तो उसको बर्न करने का तरीका भी होना चाहिए आदमी के पास। जैसे हम फॉर एग्जांपल एक पिज़्ज़ा खा लेंगे तो आदमी को 3-4 दिन लगातार आपको वॉक करना पड़ेगा, हर घंटा 4 दिन वॉक करेंगे तो वो कैलोरीज बर्न होंगे। अगर ऐसा करेंगे तो आप थोड़ी मात्रा में खा सकते हैं जंक फूड। सर जैसे आपने बोला कि वॉक करना चाहिए, बिकॉज टुडे द टेक्नोलॉजी सो एडवांस, लाइक नो मोबाइल पे आपको सब कुछ मिलता है, सो हाउ दिस इज गोइंग टू अफेक्ट, हाउ? सी इसीलिए मैं बता रहा हूँ आपको, मैं बोल नहीं रहा हूँ कि आप पार्क में जाके वॉक करो या कहीं और जाके वॉक करो, ये सिटी है इतना आसान नहीं है वॉक करना। सो मगर मैं क्या बोल रहा हूँ, ट्रेडमिल खरीदें, आपका सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट होगा ट्रेडमिल लेना। ट्रेडमिल लेने से क्या होगा, आदमी चलेगा और उसकी स्पीड भी कंट्रोल होगी, तो उसमें क्या होगा, कैलोरीज बर्न होंगे। आपने जो सर्जरी के बारे में अभी बताया है, इसका क्या है सर, इसका जो कॉस्ट है, कई सारे लोग कॉस्ट सुन के ही कई सारे लोग पीछे हट जाते हैं, तो इसके बारे में क्या सर? अगर मैं फॉर एग्जांपल बोलूं, एक मोटा आदमी है और उसकी शुगर है, बीपी है, कोलेस्ट्रॉल है, इस दवाइयों के लिए अगर हम ले कर चलें, उसका खर्चा महीने का खर्चा ले कर चलें, तो 1 साल या 1.5 साल में सर्जरी का कॉस्ट उतना ही होगा, तो सर्जरी से एटलीस्ट उसके छुटकारा हो जाएगा। फॉर एग्जांपल 3 लाख के आसपास एन एवरेज कॉस्ट है, कम से कम 3 लाख तक आसपास होगा, और उससे ज़्यादा हो सकता है आपका अच्छी बड़ी रूम लेंगे तो एवरेज पकड़ के चलिए 3 लाख तो इसका खर्चा होगा। बट क्या है, इससे क्या होगा, ये सर्जरी का कॉस्ट क्यों ज़्यादा है, बिकॉज इसमें क्या है, जो सर्जरी हम यूज़ करते हैं ना, स्टेपलर्स से करते हैं सर्जरी, वो स्टेपलर्स जॉनसन एंड जॉनसन बनाता है, अमेरिका में बनता है और हम इम्पोर्ट करके लाते हैं, तो इसमें इसलिए कॉस्ट ज़्यादा है क्योंकि सेफ्टी बढ़ जाती है, और जो भी चीज़ हम यूज़ करते हैं यूज़ एंड थ्रो, कोई यूज़ नहीं करते, सो इसलिए सर्जरी का कॉस्ट ज़्यादा है। बट हाँ, साइड इफेक्ट्स क्या हो सकता है सर, कई सारे लोग क्या है पहले से देखते आ रहे हैं, कई सारे लोग जो है ऑपरेशन करते हैं तो कहीं ना कहीं उनको जान को भी धोखा होता है, इस तरीके का भी लोगों के दिमाग में रहता है। देखिए सर, एक बात क्या है, जैसे मैंने पहले भी बोला आपको, सही सर्जन, सही हॉस्पिटल, सही टेक्निक और सही इंफ्रास्ट्रक्चर रहा तो कॉम्प्लिकेशंस बहुत 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 कम है।
और एक ही काम कर रहे हैं, सो एक ही काम कर रहे हैं तो मिस्टेक्स बहुत कम होंगे। तो मैं क्या बोलता हूँ, अच्छा हॉस्पिटल सेलेक्ट करो, अच्छा सर्जन सेलेक्ट करो, आपकी सर्जरी सेफ हो जाएगी। कोई भी सर्जरी ले, आप छोटे से पाइल्स की सर्जरी लेते हुए गॉल ब्लैडर हर्निया बैरियाट्रिक कोई भी सर्जरी आसान हो जाएगी। हमारे हॉस्पिटल में जिस तरह से हमने 200 सर्जरी सक्सेसफुल किए हैं, ऐसा नहीं है कि सर्जरी किए हैं, सक्सेसफुल सर्जरी बोले तो ये सब पेशेंट्स मुझे टच में हैं, ऑल ऑफ देम आर हेल्थी एंड अलाइव। तो सर इसमें ये सब अफवाहें हैं कि कुछ हो जाएगा, ये अफवाहें को भरोसा मत कीजिए। आप अगर आपको अफवाहें में डाउट है, इतना सारा डाउट है, तो हमारे पास आइए, हम हमारे सपोर्ट ग्रुप मीटिंग में बुलाएंगे जो भी पेशेंट सर्जरी करवाना चाहते हैं, तो उन सब पेशेंट से मिल सकते हैं, डायरेक्ट गुफ्तगू हो जाएगी डायरेक्ट उनकी। सर द सेम टाइम ऑनलाइन और टेलीविजन चैनल्स वी गेट टू सी लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स जो बोलते हैं मोटापा कम करता है, सो आई मीन व्हाट डू यू से अबाउट दिस, बिकॉज़ देखिए ऑनलाइन, देखो एक बात क्या है, ऑनलाइन में बहुत सारी चीज़ें एडवर्टाइज होती हैं, बट सबको पता है कि चीज़ें कितना बेनिफिट करती हैं। ये लोग जो भी सर्जरी कराते हैं ना, हमारे पास डायरेक्ट नहीं आते, ये लोग सब ट्राई करके पैसे गंवा के आते हैं, समझे ना। सो अब आपको पता है ऑनलाइन भी कैसी चीज़ है कि आपको थोड़ा सा फ़ायदा होगी, छोड़ोगे तो वापस मोटापा आ जाता है, तो ये सब चीज़ें टेम्प्ररी है। तो सर अभी आपने बताया 3 लाख रुपए के करीब हो सकता है, तो इसमें क्या आपको केजी के हिसाब से, मतलब ये जो वेट आप जो ये करते हैं, या फिर इसका कोई एक फिक्स रहता है सर, इतना ही वेट कम होता है? नहीं ऐसा नहीं सर, हर आदमी को अलग अलग वेट होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास 50 kg ज़्यादा वेट है तो 45 kg तक तो कम हो जाएगा। जैसा आदमी 200 kg है उसका 100 kg के आसपास वो कम हो जाएगा। सो पर केजी बॉडी वेट नहीं है ये, ऑपरेशन एक बार कर देते हैं, एक ही बार होता है ऑपरेशन और अगले दिन घर भी भेज देते हैं। स्लोली वेट लॉस अपना अपने आप से स्लोली कम कम होते होते 8 से 10 महीने में, जैसे मैंने बोला था, वो वेट कम हो जाएगा। एक्स्ट्रा हाइट के हिसाब से जो वेट रहना चाहिए, हाँ वेट तक आप लेकर आएंगे? हाँ लेके आएंगे।